नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके दोस्त के चैनल क्रिप्टोवर्स में, और मैं हूं आशीष। और एक बार फिर से आज दोस्तों आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर, और इस बार हम लोग बात करने वाले दोस्तों उन सभी यूट्यूबर्स भाई के बारे में जिनके अकाउंट या तो हैक हो गए या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मेरा भी अकाउंट जैसे कि आप सभी को पता है लिमिटेड हो गया है, किसी ने स्ट्राइक डाल दिया, उसकी वजह से क्या हुआ है कि मैं वहाँ पर लाइव नहीं कर पा रहा हूँ। अब दूसरी जगह पर मैं वीडियो बनाता हूँ और फिर अपने चैनल के ऊपर जा करके मैं उसको अपलोड करता हूँ। इस तरह की चीज़ें मुझे करनी पड़ रही है, और क्या पता कल के दिन ये बारी मेरी भी आ जाए, क्या पता मेरा चैनल भी हैक हो जाए। तो फिर मुझे लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए और आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प चाहिए। तो अगर आप लोग हेल्प करेंगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी मतलब हेल्प हो जाएगी जो जिनका भी चैनल है, जैसे मेरा भी है, जैसे क्या कहते हैं हमारे गेव ऑफ बिटकॉइन वाले भाई का है, या फिर आप क्रिप्टो पीएम भाई का करें, तो इन सभी को हेल्प मिल जाएगी कहीं ना कहीं। एक रीट्वीट से आपकी जो है किसी की कह सकते हैं एक तरह से लाइफ बदल सकती है, आपका एक रीट्वीट। तो शुरू करते हैं हम लोग ये वीडियो। प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और नीचे जो ट्वीट आपको ट्विटर का जो लिंक मिलेगा उसको आप लाइक कीजिए, अपना कमेंट डालिए, यूट्यूब को बोलिए, कुछ भी बोलिए और उसको रीट्वीट कीजिए। तो शेयर करते हैं हम लोग अपनी स्क्रीन, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के आने के लिए, क्योंकि बहुत सीरियस इशू है ये, और मेरा कोशिश है उन सभी भाइयों की हेल्प करने के लिए। मेरा तो फिर भी चैनल अभी तक बचा हुआ है, और भगवान ना करे कभी इस तरह का हो, क्योंकि मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है और कितनी मेहनत के बाद में ये सब चीज़ें होती है, और हम लोग जहाँ पर भी हैं आज वो कहाँ पर, मतलब कितनी मेहनत के बाद में है। तो एनीवेज शेयर करते हैं हम लोग अपनी स्क्रीन, और ये रही दोस्तों हमारी स्क्रीन। तो ये है दोस्तों ट्विटर का वो पेज जहाँ पर क्या कहते हैं जो क्रिप्टो पीएम वाले भाई हैं, मुझे तो एग्जैक्टली उनका नाम भी नहीं मालूम क्या नाम है उनका, बस मुझे इनके चैनल के नाम का पता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके पास ये एक ईमेल आया है जहाँ पर गूगल माई बिजनेस करके जो अकाउंट होता है वो क्रिप्टो पीएम भाई का, वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर इसी तरह की एक और वीडियो है जो कि यहाँ पर आप देखेंगे, एक ये पर्सन है अभिषेक आनंद, और इनके चैनल का नाम है ज्ञानी 2.0। तो ये चैनल का नाम है, इनका भी सेम प्रॉब्लम हुई है, इनका भी ऐसी माई बिजनेस अकाउंट जो है वो चला गया है, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि अपने YouTube चैनल को ये एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत मेजर प्रॉब्लम है ये। आप इसको बग कहो, आप इसको हैक कहो, आप इसको कुछ भी कहो, तो जो एक्चुअली मुझे पता चला है, जो एक्चुअली मैंने जानने का कोशिश किया है कि ये एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम हुआ था कि क्रिप्टो पीएम भाई के साथ में, तो वहाँ पर ये पता चला है कि उनके पास कुछ एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ रिक्वेस्ट आई थी, तो उन्होंने उस लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया, और फिर उसके बाद में उनका ये अकाउंट हैक हो गया। तो अब वो लोग उनसे फिरौती और इस तरह के पैसे वैसे की मांग कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आप इस ट्विटर लिंक के ऊपर जाइए और आप थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये इनका क्रिप्टो पीएम अंडरस्कोर इनका ट्विटर हैंडल है, यहाँ पर जाइए आप प्लीज़। इनका जो ये मेन आपको मैं दिखाता हूँ, मेन जो ये देखिए ये इनका वो ट्वीट है जहाँ पर इन्होंने गूगल और यूट्यूब को बोलने की कोशिश करी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि नो डाउट कि एक बंदा इतनी मेहनत करता है, इतना बड़ा चैनल बनाता है, इतनी सारी चीज़ें वो करता है, और फिर उसके बाद में इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस होती है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत दिक्कत वाली चीज़ है, और आप लोगों की हेल्प चाहिए इसके अंदर, क्योंकि ये इसको आप जाइए लाइक कीजिए, रीट्वीट कीजिए। मैंने जो किया था एक्चुअली वो दूसरा वाला रीट्वीट था, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा मेरा, बट मैं दिखाता हूँ कौन सा वाला था, क्योंकि इन्होंने दो तीन ट्वीट डाले हैं, तो ये वाला था आई गेस, इसमें मैंने किया, बिल्कुल ये रहा, देखिए यहाँ पर मैंने किया था, और आप लोग भी कीजिए जा करके हेल्प करने की कोशिश कीजिए, सिर्फ लाइक और रीट्वीट करना है, क्या पता इनकी जो गूगल वाले जो है वो सुन लें और उनका अकाउंट जो है रिकवर करवा दें। तो एक ही हेल्प है। दूसरे अगर अकाउंट की बात करें तो वो है हमारे गेम ऑफ बिटकॉइन वाले जो गैरी भाई है, इनके साथ में हम लोगों ने लाइव सेशन भी किया था, काफ़ी ज़बरदस्त रहा था। तो 16 ईयर्स से इनका अकाउंट चल रहा था और एडसेंस के ऊपर, फाइनली उन्होंने जो एडसेंस के थ्रू क्या होता है कि पेमेंट मिलती है, थोड़ा थोड़ा जो अर्निंग होती है, अर्निंग सोर्स जो होता है वो एडसेंस के थ्रू आता है, तो यहाँ पर इन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया बिल्कुल, मतलब अब कोई अर्निंग इनके अकाउंट पर हो नहीं सकती, ना ये कोई अर्निंग कर पाएंगे, ना उस तरह की चीज़ें ये कुछ कर सकते हैं अब। तो मतलब अब ये सिर्फ जो इनका यूट्यूब चैनल जो है वो फ्री में चलेगा, उनको ना कोई एक पैसा मिलेगा ना कुछ मिलेगा, मुझे तो फिर भी महीने का एक $10 के आसपास में दे देते ये लोग भीख की तरह, गुस्सा आता कभी। तो इनके साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ है जहां पर इन्होंने बोला है कि इनवैलिड ट्रैफिक एक्टिविटी इनको झेलना पड़ा है, और इसकी वजह से इनका ये अकाउंट चला गया है और अब ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो
यहाँ पर भी मतलब आप जाइए, यहाँ पर भी रीट्वीट कीजिए, लाइक कीजिए और हेल्प करने की कोशिश कीजिए। तो हेल्प अगर आप करेंगे तो ऊपर वाला आपकी भी हेल्प कभी ना कभी करेगा। तो और जैसे कि हम लोग हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते, तो आप लोग भी थोड़ा सा अगर अपनी हेल्प दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें जो क्या कहते हैं एक मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों की और भी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। अगर इसी तरह की चीज़ करते रहेंगे तो हम लोग आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा अच्छे कंटेंट और उस तरह की चीज़ें लाते रहेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि ज्ञानी 2.0 जो ये भाई हैं, इनका भी अकाउंट हैक हुआ है, इसी तरह से हैक हुआ है और इसी तरह की प्रॉब्लम इनको भी फेस करनी पड़ी है। और ऐसा नहीं है कि ये पहला इस तरह का हैक है। और अगर आप गूगल करने के लिए जाएंगे, अगर आप सर्च करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आप सर्च करिए सिंपली YouTube अकाउंट हैक 2019। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इसी तरह के ये देख सकते हैं आप कि काफ़ी टाइम से इसी तरह से चीज़ें होने लग रही है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कंटेंट ऐसे ही मिलेंगे जहाँ पर हैक हो रहा है, उस तरह की क्या कहते हैं प्रॉब्लम आ रही है। एनीवेज, तो नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक काफ़ी पुराना ये अकाउंट होता था जहाँ पर ये बिटकॉइन पंडित के नाम से एक अपने हमारे दोस्त थे। और उस टाइम पर 2018 में इनका भी अकाउंट इसी तरह से बिना बताए बिना कुछ करे बंद कर दिया गया था। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने भी ट्वीट डाला था। उस टाइम पर हम लोग इतने फेमस नहीं होते थे 2018 स्टार्टिंग का। देखिए यहाँ पर 2018 स्टार्टिंग में इन्होंने अपना अकाउंट बनाया है ना, तो उस टाइम पर हम लोग इतने फेमस नहीं होते थे। और इन्होंने बीच में फिर क्या नाम है कम बैक करने का कोशिश भी किया था, लेकिन फिर उसमें उतने ज़्यादा वो नहीं रह पाए थे। और यहाँ पर ये इन्होंने ट्वीट डाला था यूट्यूब की ओनली नो फॉर्म और इस तरह की चीज़ें, कि इनका जो अकाउंट था वो इस तरह से एकदम बैन कर दिया था, वो सब चीज़ें किया था। तो यहाँ पर भी ये भी सबसे पहले मैंने एक्चुअली ये वाला केस देखा था जहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिली थी। और सीरियसली बताऊँ मतलब इनकी जो प्रिडिक्शंस थी उस टाइम पर, इन्होंने कहा था कि बैट बहुत ज़बरदस्त जाएगा, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बनेगा जिस तरह की ये वो रखता है बैट। बिल्कुल अगर आज आप देखेंगे, इन्होंने 0x के लिए भी बोला था, 0x बहुत ज़बरदस्त गया। इन्होंने कूकॉइन एक्सचेंज के लिए बोला था, कूकॉइन एक्सचेंज बहुत ज़बरदस्त करेगा, कूकॉइन एक्सचेंज बहुत अच्छा कर रहा है। तो इनकी प्रिडिक्शन उस टाइम पर, उन्होंने निमिक कॉइन के लिए भी बोला था, निमिक लेकिन उतना अच्छा नहीं किया, बट स्टिल उन्होंने बोला था कि क्या कहते हैं जो मतलब 2017 में बिटकॉइन पंडित भाई जो है वो उसको यूज़ करते थे स्टीमिट को, तो मतलब इनकी प्रिडिक्शन उस टाइम पर बहुत एनालिसिस बहुत ज़बरदस्त होती थी। इनसे मैं हम लोग मिले बाद में और बहुत अच्छा भी लगा। बट इनका जो एक तरह से अकाउंट गया और उसके बाद में फिर इनका आप कह सकते हैं कि एकदम सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर इन्होंने दोबारा कोशिश नहीं करी, एक बार कोशिश भी करी लेकिन फिर इन्होंने कभी कम बैक नहीं किया, मतलब एक दो वीडियोज़ डाली फिर इन्होंने छोड़ दिया। तो इसी तरह की चीज़ें होती है कि जब, और ये मैंने वीडियो भी बनाई थी उस टाइम पर कि इनका अकाउंट इसी तरह से हैक हुआ था। तो इसी तरह से होता है दोस्तों, अगर किसी की एकदम इतनी मेहनत, सपोज कीजिए अगर मेरे साथ ही हो, मैं भी 2-2.5 साल से जैसे लगा पड़ा हूँ, 2017 मिड से मैं कर रहा हूँ, और तो उस तरह से अगर देखें तो कहीं ना कहीं आप खुद समझेंगे कि एक्चुअली में क्या चल रहा है। और आप जब अपने ऊपर लेकर के थोड़ा सा महसूस करेंगे तो शायद आपको और भी ज़्यादा महसूस हो, और भी ज़्यादा पता चले एक्चुअली में कि कितना प्रॉब्लम होता है कि जब इस तरह की चीज़ें सामने होती है और हमारे साथ होती है। बेसिकली मतलब मुझे खुद को फील हो रहा है, क्योंकि अगर मैं अपने अकाउंट पे जाता हूँ, देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और थैंक यू कि मेरे 3700 सब्सक्राइबर फाइनली हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लाइव करने के लिए जाता हूँ तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, तो गाइडलाइन स्ट्राइक हुआ है, कॉपीराइट इशू है और इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। तो इसी तरह की ये लोग सेंट्रलाइज चीज़ें ये लोग कर देते हैं। डिसेंट्रलाइज की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पर कोई इंडियन सब्सक्राइबर नहीं है, वहाँ पर कोई व्यूअर नहीं है, वहाँ पर ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। और क्योंकि मैंने कोशिश किया था डी लाइव में करने की, तो वहाँ पर कोई भी वो नहीं आता था और बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को मतलब हम लोगों के साथ में नहीं हो पाती, बहुत सारे चैलेंजेस है। सेंट्रलाइज्ड एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म बन चुका है, इसकी मोनोपोली है मार्केट के अंदर। मे बी कभी यूट्यूब को कोई टक्कर दे, अगर कोई टक्कर देगा तो वो शायद क्या कहते हैं फेसबुक होगा, फेसबुक की वीडियो जो प्रोग्राम है वो होगा। लेकिन देखते हैं कैसे चीज़ें चेंज होती है। बट मैं यही कहूँगा कि आप लोग की प्लीज़ ये दोनों ट्वीट्स को, ये आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे, प्लीज़ लाइक कीजिए, रीट्वीट कीजिए, थोड़ा सा यूट्यूब को बोलिए ताकि वो हेल्प करे और क्या कहते हैं
इनके अकाउंट्स जो है वो रिटर्न करने की कोशिश करें। तो आशा करता हूँ जल्दी से जल्दी हमारे इन भाइयों के अकाउंट वापस आए। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, पीस और जय हिंद।